लाइन है यहाँ का मतलब हो गया 5 एम एम, हमें वैसे 4 लेना है बट हम 5 तक ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 4 एम एल है, ठीक है। ये 4 एम एल जो है वो एक नई टेस्ट ट्यूब में जो है ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से। कोई भी सैंपल लेंगे तो 4 एम एल के आसपास अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर करना है उसके अंदर, और फिर 15 ड्रॉप डालनी है इस क्लोराइड रिएजेंट, ठीक है। 15 ड्रॉप्स क्लोराइड रिएजेंट, तो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये ठीक है। बंदा करने के बाद अच्छे से इसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को, और जो कलर मिलेगा उस कलर को हम चार्ट के साथ टैली करेंगे, ठीक है। कलर चार्ट है ये टेस्ट ट्यूब कलर है, ठीक है। इसके साथ हम इसको मिलाएंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि ये किसके साथ जो है वाइट वाले में टैली होता है। तो ये फर्स्ट वाला है हमारे पास, उसके पास टैली हो रहा है फर्स्ट से, नहीं सेकंड से टैली हो रहा है 0.5 तक, ठीक है ना। लगभग यहाँ टैली हो रहा है, यहाँ यहाँ के बीच में रहेगा, ये 0.5 हम मान सकते हैं, मतलब एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक की रेंज सेफ है। जब ये कलर आएंगे तब डिफरेंट होगा, अच्छा ठीक है ना। तो ये इस तरह से कलर चार्ट जो है आप लोग देख सकते हो ना, कलर को इसके साथ टैली करना है। अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगभग ये वाला कलर माना जाए, जो लोअर होता है उसकी वैल्यू को हम माना, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी सैंपल धीरे धीरे टेस्ट करिए, बारी बारी कर, जो सैंपल लाए हैं अपने अपने कितने सैंपल आपके पास हैं सभी का मैं समझता हूँ हो जाएगा, है ना। आराम से जो भी सैंपल लेंगे उस सैंपल को पहले स्पीकर में डालना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ से इसमें ट्रांसफर करेंगे कहाँ तक, जो लास्ट लाइन है ना नीचे वाली, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 है, उसको ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब में और फिर 15 ड्रॉप डालनी, तो 1 by 1 करेंगे सब, है ना। हर बार आप डिफरेंट टेस्ट ट्यूब यूज़ करिए ताकि आप ये देख पाएँ कि जो सैंपल्स आप रखते जा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है।